हर घर का साथी डबल हाथी, सुबह की पहली चाय डबल हाथी के साथ। 35 साल से खंडवा के अपने ब्रांड का देश भर में है विश्वास। नजदीकी स्टोर से संपर्क करें। बताइए आप कौन से विभाग के कर्मचारी और क्या काम करते हो आज कलेक्टर ऑफिस में, क्या समस्या लेके आए? हम लोग मेडिकल कॉलेज में आउटसोर्स कर्मचारी कार्य करते हैं, कुछ जिला चिकित्सालय में है, कुछ आउटसोर्स के तरफ से मेडिकल कॉलेज में भी हैं। हमारी समस्या वेतन की है, पिछले कई वर्षों से है। पिछली जो कंपनी थी उस समय भी थी, अभी जो नई कंपनी आई है उसमें भी हमारे वेतन की समस्या कंटिन्यू चली रही है। हम पिछली UDS कंपनी थी और ये जो नई कंपनी आई है इसका नाम एजाइल है। किस प्रकार की समस्या आती है? हमें वेतन की समस्या आती है, 2-3 महीने काम करवा लेती है, 1 महीने की सैलरी वो भी जब आती है, जब या कलेक्टर साहब के पास आवेदन देते हैं या डीन सर के पास आवेदन देते हैं, उसके बाद सैलरी आती है। हमेशा इनका बजट का रोना रहता है कि बजट नहीं आया, बजट कब तक आएगा ये भी कोई जानकारी देते नहीं है। या तो हमारी समस्या ये है कि हम लेटर बना के अपनी सैलरी लेते रहें, या फिर आप कंटिन्यू समस्याओं का निवारण कर दीजिए। कब तक की समस्या चलती रहेगी? 7,008। अभी क्या समस्या आ रही है? अभी समस्या हमारी यही है कि हमारा वेतन समय पर दिया जाए, वेतन का निवारण जल्द से जल्द कर दिया जाए, और जो अधिकार जो हमको श्रमिकों को जो प्राप्त हैं गवर्नमेंट सेक्टर में, आप टेंडर लेके बैठे हुए हैं तो आपको भी पता है कि भैया क्या नियमावली नहीं है, कंपनी की तरफ से क्या हमें सुविधा मिलनी चाहिए। जो पिछली कंपनी थी जिसका टेंडर चेंज कर दिया, ग्रेजुएटी मिलना चाहिए थी वो नहीं मिली, तो हमें हमारे सारे अधिकार दिए जाएँ और समय पर हमारे वेतन दिया जाए। वो जिन कर्मचारियों को समय हो चुका है, या तो उनका इंक्रीमेंट कीजिए या सैलरी का निवारण तुरंत जल्द से जल्द कर दिए। जब तक हमारी सैलरी नहीं आएगी तब तक कि हम हमारा काम शुरू नहीं कर पाएंगे। अभी कितने महीने की सैलरी रुकी है? अभी हमारे 2 महीने की सैलरी पूरी, 2 महीने की सैलरी रुकी हुई है, और पिछली जो सैलरी आई है वो भी आवेदन देने के बाद में 1 महीने की सैलरी आई है। तो आपकी वैसे सैलरी कितनी तारीख को डल जाती है? हमारी नियम तो ये है कि आफ्टर 10 डेज के अंदर सैलरी करना कंपलसरी है, लेकिन ये कंपनी ना तो दिनांक डेट बताती है, ना कोई नियम को फॉलो करती है। इनकी मन मर्जी सैलरी डलती है। हम तो चाहते हैं कि 10 तारीख के पहले सैलरी कर दी जाए। इनके पास अटेंडेंस तो 2 तारीख को 3 तारीख को चले जाती है। आपका परिचय बता दीजिए। मेरा नाम अखिलेश पवार है, मैं आउटसोर्स कंपनी के थ्रू मेडिकल कॉलेज में काम कार्यरत करता हूँ। अभी तो कलेक्टर साहब मिले नहीं है हमें, जो अपर कलेक्टर है उन्होंने हमको कहा है कि आप या तो कल कलेक्टर साहब से मिलकर अपनी चर्चा कीजिए, क्योंकि पूर्व में कलेक्टर साहब को हम आवेदन दे चुके हैं, तो उनके कहने पर भी कार्रवाई कुछ हुई नहीं है। तो उन्होंने तो ये कहा है कि अब आपके ऊपर है, आप काम शुरू करना चाहते हो तो करिए, या आपकी स्वेच्छा है नहीं करना चाहे तो मत कीजिए। हमारी ये मांग है कि हम तो काम शुरू नहीं कर रहे हैं, हम कल कलेक्टर साहब से मिलके हमारा आवेदन उनके हाथ में देंगे, और कलेक्टर साहब जो हमें कहेंगे वो उनके हम मान्य करके फिर हम सभी विचार करके अगर काम शुरू करना होगा तो हम अपना काम शुरू कर देंगे। हर घर का साथी डबल हाथी, सुबह की पहली चाय डबल हाथी के साथ। 35 साल से खंडवा के अपने ब्रांड का देश भर में है विश्वास। नजदीकी स्टोर से संपर्क करें।